बीजं माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुधिं तामस्मि तेजस तेजस्वी नामहं। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं आसक्ति और कामना रहित बलवानों का बल हूँ और मनुष्यों में धर्म के अनुकूल किए जाने वाला संभोग हूँ। न एनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावका न च एनम कलेदयन्ति आपो न शोचति मारुत। अर्थात शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, हवा इसको, पानी इसको गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती, अतः आत्मा अजर और अमर है। ओम ये न द्यौ रुद्रा पृथ्वीं चकिर्धा ये न स्वाभितं ये न नाकः जो अंतरिक्ष आय हाय बोल गया दूसरा सुनाऊंगा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। ओम अग्नय सुपथाराए अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोजस्म जुहुरान मेनु भूयिष्ठान्ते नम उक्तिन विधेम। ओम अन्य पते अन्य सनो धे भा नविवस्य सुष्मिना प्रपता तारम तारिश उरज नो देहि विपते चतुष्पदे। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद् गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में परिगणित इस श्लोक का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, तू सभी प्रकार के धर्मों को अर्थात सभी प्रकार के संदेहों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पर परमात्मा कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि यदि मनुष्य मात्र अपनी सभी चिंताओं को, अपनी सभी संदेहों को, अपने सभी कर्तव्य अकर्तव्य कर्मों को त्याग कर यदि संपूर्ण श्रद्धा भाव से ईश्वर शरण में जाए तो निश्चित रूप से उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है और उसके पुण्य कर्मों का उदय होकर के वह परम धाम की ओर जाता है। यही भगवद गीता का संदेश है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हम सभी इस पुण्य का लाभ कमाएं और गीता के संदेशों को जो कि द्राक्षापाक कहे गए हैं उनको पूरे विश्व भर में प्रसारित करें, प्रचलित करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय तो गीता, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम पुत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्ति प्रियतम आश्नामि प्रियतम तमानः। अर्थात जो मनुष्य प्रेम भक्ति से पत्र फूल फल जल आदि कोई भी वस्तु मुझे अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध चित वाले भक्त का वह प्रेम मोहर केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उसका भोग भी करता हूँ। इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ लीफ अ फ्लावर रूट और वाटर विल एक्सेप्ट इट।